बेसिकली हम लोग रोज़ वर्कआउट तो करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, बट पहली बार लाइफ में मार्शल आर्ट्स किया है. एंड थैंक्स टू सहरिश अली बिकॉज शी टोल्ड मी कि मार्शल आर्ट्स एक ऐसा फिटनेस फॉर्म है जिससे आपके मसल भी ग्रो होते हैं, आपका फैट लॉस भी होता है, कार्डियो भी हो जाता है. बेसिकली आप यू अक्वायर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. तो मुझे लगा कि वाई नॉट ट्राई दिस क्लास. तो इसके लिए आज मैं सहरिश के साथ पहली बार उसके मार्शल आर्ट्स क्लास में आई हूँ. इफ़ यू गाइस यूज्ड टू रिमेंबर, आई यूज्ड टू डू मार्शल आर्ट्स फ्यू ईयर्स बैक, बट क्योंकि शूटिंग के चक्कर में, लक्ष्मी के चक्कर में सब कुछ छूट गया था. सो आई गॉट वन मोर चांस टू कम बैक एंड डू दिस बिकॉज दिस समथिंग आई लव. I think every girl should learn such kind of art, yeah, which is a kind of self-defense art. Because, of course, hum kahin bahar jaate hain, kabhi kabhi aisa hota hai ki we cannot go with our brother, we cannot go with our husband, we cannot go with our friend. Kabhi akele to hum, so we should have that confidence ki hum kahin akele bahar ja paaye. So it is a very good form of self-defense, jo ek ladki ko aana chahiye. तो बेसिकली ये है मिक्स मार्शल आर्ट. मिक्स मार्शल आर्ट में आपके पंचेस भी आते हैं, आपके किक्स भी आते हैं, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आती है, आपकी डिफेंस ट्रेनिंग भी आती है. सो बेसिकली इसमें कुछ किक्स ऐसे हैं जो अगर आप सपोज बीइंग अ गर्ल, मैं यहाँ पे लड़कियों पे इतना एम्पैथाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप कैसे बच सकते हो एक सिचुएशन से. तो अगर आपको कोई मिल गया, सो ये ऐसी डिफेंस ट्रेनिंग है जो कि आपको इसमें बहुत नहीं करना है, बट थोड़ा ही करके एटलीस्ट यू कैन रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन. ये और दूसरी चीज़ ये कि इसमें डिफरेंट ऐसे है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग किक्स हैं. कभी आपको किसी को थप्पड़ मारना हो, सो जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर वेरिएटिंग, आप हाथ से थप्पड़ नहीं मार के आप पैर से थप्पड़ मार सकते हो. एक चीज़ होती है कि सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग करके हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है और हमारी बॉडी में सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्कआउट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्कआउट जो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल रखता है. अगर आप देखोगे सर उसको तो ही दे आर सो फ्लेक्सिबल, इनके कि 90 डिग्री खुलते हैं. वाओ, व्हिच इज़ लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल. मेरे अभी 70% 60% खुल रहे हैं, बट आई प्रोमिस नेक्स्ट स्टोरी वो 90% खुलेगा. वाओ, ऑसम. मेरे जहन में दो नाम आते हैं, एक है बरखा बिश्त और एक है नेहा पेंट से. दोनों ने स्पेशली नेहा पेंट से उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी बॉडी का, कमाल है. मतलब इन दोनों को जब मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये होता है डेडिकेशन, डिसिप्लिन. एंड बरखा बिश्त इज़ अ मॉम, तो मुझे लगता है कि वो एक अलग लेवल का फिटनेस हो गया. सो या मुझे लगता है ये दो एक्ट्रेसेस टेलीविजन में बहुत ही ज़्यादा फिट हैं. सो आई वुड से लड़कों में या ही इज़ माई फ्रेंड कुशाल पंजाबी, ही डज एन अमेजिंग वर्कआउट गाइज. यू शुड फॉलो हिम, यू शुड फॉलो हिम. एंड उसका वर्कआउट में वेरिएशन बहुत है और एंड ही इज़ अ फिट मैन. सो इन गाइज कुशाल पंजाबी एंड आई एम सो सॉरी आई एम बींग सो सेल्फिश. और लड़कियों में आई रियली फाइंड माई सेल्फ, आई वोंट से फिट, बट देन आई मीन if there's something I love other than shooting is my gym. So बहुत सारे एक बात सहरिश की मैं बोलना चाहूँगी, ये लड़की इतनी डेडिकेटेड है कि नो मैटर वॉट, हम लोग चाहे 8:30 के कॉल टाइम में शूट कर रहे हो या 6:30 के कॉल टाइम में शूट कर रहे हो, ये बंदी सुबह उठ के, भले इसको 4 बजे उठना पड़े, ये उठेगी, ये जिम जाएगी, जिम के बाद डायरेक्टली शूट पे आएगी. शूट का जैसे ही पैकअप हो, चाहे वो लेट हो या जल्दी हो, जैसे ही पैकअप हो फिर से जिम जाएगी. तो पहले वो आई थिंक मॉर्निंग यू डू योर कार्डियो. सो इन द मॉर्निंग शी हैज़ अ फिक्स्ड रूटीन, शी विल डू कार्डियो इन द मॉर्निंग एंड देन एट नाइट शी हैज़ द जिम टू डू हर वेट ट्रेनिंग. आई एम एक्चुअली कटिंग यू, बट द थिंग इज जो मेरी साइड में बैठी है शी हैज़ जस्ट लॉस्ट 10 kgs गाइस. So who 12, else can be to 12 be precise? Who else can be fitter than her? So I feel कि ऐसा कोई नहीं है कि कौन कौन एक्टर्स हैं जो फिट हैं. बहुत सारे एक्टर्स फिट हैं और वो लीग ही अलग है. सो उस लीग को सलाम एक्चुअली.